उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। 2567 पदों पर जो भर्ती थी वह यहां पर होनी थी। आपको अभी हम बता दें कि अभिलेख परीक्षण जो है यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जल्दी ही होना है। हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर एर्थ पे कमीशन आता है जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूर्ण संभावना है, इस समय उसी के बारे में आप देखेंगे तो जो मंथन है, जो विचार है वो लगातार चल रहा है। तो ऐसे में एर्थ पे कमीशन के आधार पर मुख्य सेविका की सैलरी कितनी होगी, इसको हम अभी वर्तमान सैलरी से भी कंपेयर करेंगे। तो ऐसे में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 और फिटमेंट फैक्टर 2.86। देखिए होता ये है, ये दो तरीके का जो फिटमेंट फैक्टर हमने रखा है एग्जैक्टली ये है क्या, इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपका डीए होता है, डीएनएस अलाउंस, कहीं ना कहीं उसे ही एक तरीके से यूं समझिए कि उसी के आसपास या उसे आपके बेसिक पे में जोड़ दिया जाता है। और यहां पर फिटमेंट फैक्टर को आप एक लाइन में ये समझ सकते हैं कि जो आपका बेसिक पे अभी इस समय है उसमें आप जो भी फिटमेंट फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लगातार अभी अगर हम बात करें न्यूज़ के गलियारों को लेकर के कि जो चर्चा हो रही है वो दो प्रकार के फिटमेंट फैक्टर 1.92 और 2.86 इन्हीं दोनों पर बात हो रही है। तो दोनों पे ही लेके चलेंगे कि सैलरी में कितना चेंज होगा, कितना परिवर्तन होगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो बेसिक पे जो है मुख्य सेविका का 29,200 रुपये है। यहाँ पर इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब हम प्राइमरी सैलरी की बात करते हैं बिहार की तो उससे भी ज़्यादा मुख्य सेविका की बेसिक पे है और सैलरी है। तो अगर हम 29,200 को 1.92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिक जो बनेगा वो बनेगा 56,064 रुपये। चूँकि डीए सेम ईयर में नहीं मिलता है, जिस ईयर में आपका लागू होगा एर्थ पे कमीशन या कोई भी पे कमीशन लागू होता है उस साल में आपको महंगाई भत्ता नहीं मिलता है, ये अगले साल से मिलना शुरू होता है। बाकी एचआरए 1200 रुपये मिलता है मुख्य सेविका में, अदर जो अलाउंसेस होते हैं वो 1000 रुपये। अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं तो जो ग्रॉस मंथली सैलरी होगी, मासिक सैलरी, वो 58,264 रुपये होगी। वहीं अगर हम फिटमेंट फैक्टर 2.86 को लेकर के बात करें तो 29,200 का ये आपका 83,512 रुपये निकल के आएगा। डीए शून्य होगा उस साल में। एचआरए की बात की जाए तो 1200 रुपये अदर जो अलाउंसेज हैं उसमें 1000 रुपये आपका दिया हुआ है। तो ग्रॉस जो मंथली सैलरी होगी वो होगी 85,712 रुपये 1 जनवरी 2026 से, मतलब जो भी नई भर्तियां होंगी ऐसे में मुख्य सेविका की, चूँकि अभी इस समय 6567 पद पर होनी है और ये 2025 तक इनकी बहाली होगी, और ऐसे में इनकी सैलरी यहाँ जो 85,000 और जो 58,000 लिखा हुआ है इससे भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बेसिक पे जैसे जैसे वो रहेंगे वो परिवर्तन होता जाएगा, वहाँ पर चेंज होता जाएगा, और बेसिक पे बदलेगा तो फिटमेंट फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करने पर उसका जो एक सम होगा, एक जो रिज़ल्ट होगा बेसिक पे का, वह भी बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ पर डिडक्शंस की बात करें तो एनपीएस डिडक्शन होता है आपका बेसिक पे और डीए का 10%, वो एक आप अलग से निकाल सकते हैं। तो डिडक्शन ज़रूर 10% का होता है, लेकिन इसी में 14% जोड़ करके सरकार आपको पैसा दे रही होती है, आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट हो रहा होता है, जमा हो रहा होता है। मतलब आप मान के चलिए कि बेसिक पे डीए का 24% पैसा जो है रुपया आपके अकाउंट में जो है वो जमा होता रहता है। तो ये सैलरी आपके लगभग आप जब देखेंगे तो 85 का लगभग 1,00,000 पहुंचेगा अगर हम इस 24% को कहीं ना कहीं, या 14%, चूँकि 10% तो इसी में से काट रहे हैं, आप 14% बेसिक पे डीए का निकालेंगे इस अमाउंट का ऐसे में लेकर के, तो ये उसी के आसपास आपका पहुंच जाएगा। तो ये रही मुख्य सेविका की एर्थ पे कमीशन के बाद सैलरी। अभी सेवन्थ पे कमीशन की बात करें, इस समय जो ग्रॉस सैलरी है वो कितनी है आप देख पा रहे होंगे, डीए 53% है, बेसिक पे 29,200, यहाँ पर डीए जो है वो 15,476 निकल के आएगा, एचआरए 1200 रुपये, अदर अलाउंसेस में 1000 रुपये, ग्रॉस मंथली सैलरी जो है वो 46,876 रुपये है। इसमें इन हैंड सैलरी, जैसे मैंने बोला, इसमें भी आप डिडक्शंस करके अभी जो इन हैंड सैलरी मिलेगी एनपीएस डिडक्ट हो जाएगा, एनपीएस बेसिक पे डीए का 10% निकलता है तो 4,468 रुपये जो है वो माइनस हो जाएंगे। इसमें इन हैंड सैलरी 42,408 रुपये अभी है, अभी की जो मुख्य सेविका की सैलरी है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ भी अगर आपको लगा हो यहाँ पर कुछ अच्छा बताया गया है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।